आज गवर्नर साहब आप भी यहाँ पे हैं, मंत्री जी भी यहाँ पे हैं और भाजपा के प्रधान साहब भी यहाँ पे हैं। मैं आप सबसे हाथ बांध के एक अपील करना चाहती हूँ कि हमारे पंजाब के मेहनती लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं देश के लिए और आज भी अपने पानी को, हमारा वाटर टेबल हर नीचे जाई जा रहा है, तरह तरह की बीमारियां का सामना करके आज भी देश के पेट भरने के लिए सबसे बड़ा योगदान हमारे मेहनती किसान देते हैं। कुछ समय पहले, 2 साल 2.5 साल पहले हमारे 600 किसानों ने अपनी जान शहीद कर दी कुछ मांगे रख के, और आज भी एक बार फिर किसानों को सड़कों पे उतरना पड़ा है। 5 जाने जा चुकी हैं। पंजाब का बहुत बड़ा किसानों का नुकसान, मजदूरों का नुकसान, एक इकोनॉमिक ब्लॉकेट जो हो रहा है उससे पंजाब की इकोनॉमी का भी नुकसान हो रहा है। आप सबसे मैं बेनती करती हूँ कि ये किसानों का, मजदूरों का ये मसला, पंजाब का मसला, आप जरूर इंटरवीन करके गवर्नर साहब आप इसको हल जरूर करिए, क्योंकि जब एक घर का चिराग बुझता है उस घर पे क्या बीतती है ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुतों के साथ हुआ है। 2 दिन पहले एक 22 साल का लड़का जिस तरीके से हमारे पंजाबियों को ऐसा एक पाकिस्तान के बॉर्डर में जो देखने को मिलता है, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर में देखने को मिल रहा है, ये वो देशभक्त लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, आज भी बॉर्डर में देश को बचाने के लिए सीना तान के सामना करते हैं। आज उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो बहुत दिल दुखाने वाला है। मैं आपसे बेनती करूंगी कि ये सारे पंजाबियों के सबकी तरफ से हाथ उठा के आप सारे कहिए कि ये पंजाब की अमन शांति, पंजाब की भाईचारिक सांझ, पंजाब की तरक्की और इकोनॉमी के लिए पंजाब में शांति बहुत जरूरी है। आप सब से मैं बेनती करती हूँ कि पंजाब की अमन शांति को आप कायम रखिए, और किसान पंजाब की रीढ़ की हड्डी है। जब पंजाब खुशहाल है, किसान खुशहाल है, तभी पंजाब ये खुशहाल है। आप सब एक होके इस राज्य की अमन शांति के लिए आप एक हो हाथ खड़े करके गवर्नर साहब को बेनती करिए कि पंजाब की अमन शांति को कायम रखने के लिए वो जरूर कोई कदम उठाएं और पंजाब के किसानों को उनका हक दिलवाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। आज गवर्नर साहब आप भी यहाँ पे हैं, मंत्री जी भी यहाँ पे हैं और भाजपा के प्रधान साहब भी यहाँ पे हैं। मैं आप सबसे हाथ बांध के एक अपील करना चाहती हूँ कि हमारे पंजाब के मेहनती लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं देश के लिए और आज भी अपने पानी को, हमारा वाटर टेबल हर नीचे जाई जा रहा है, तरह तरह की बीमारियां का सामना करके आज भी देश के पेट भरने के लिए सबसे बड़ा योगदान हमारे मेहनती किसान देते हैं। कुछ समय पहले, 2 साल 2.5 साल पहले हमारे 600 किसानों ने अपनी जान शहीद कर दी कुछ मांगे रख के, और आज भी एक बार फिर किसानों को सड़कों पे उतरना पड़ा है। 5 जाने जा चुकी हैं। पंजाब का बहुत बड़ा किसानों का नुकसान, मजदूरों का नुकसान, एक इकोनॉमिक ब्लॉकेट जो हो रहा है उससे पंजाब की इकोनॉमी का भी नुकसान हो रहा है। आप सबसे मैं बेनती करती हूँ कि ये किसानों का, मजदूरों का ये मसला, पंजाब का मसला, आप जरूर इंटरवीन करके गवर्नर साहब आप इसको हल जरूर करिए, क्योंकि जब एक घर का चिराग बुझता है उस घर पे क्या बीतती है ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुतों के साथ हुआ है। 2 दिन पहले एक 22 साल का लड़का जिस तरीके से हमारे पंजाबियों को ऐसा एक पाकिस्तान के बॉर्डर में जो देखने को मिलता है, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर में देखने को मिल रहा है, ये वो देशभक्त लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, आज भी बॉर्डर में देश को बचाने के लिए सीना तान के सामना करते हैं। आज उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो बहुत दिल दुखाने वाला है। मैं आपसे बेनती करूंगी कि ये सारे पंजाबियों के सबकी तरफ से हाथ उठा के आप सारे कहिए कि ये पंजाब की अमन शांति, पंजाब की भाईचारिक सांझ, पंजाब की तरक्की और इकोनॉमी के लिए पंजाब में शांति बहुत जरूरी है। आप सबसे मैं बेनती करती हूँ कि पंजाब की अमन शांति को आप कायम रखिए, और किसान पंजाब की रीढ़ की हड्डी है। जब पंजाब खुशहाल है, किसान खुशहाल है, तभी पंजाब ये खुशहाल है। आप सब एक होके इस राज्य की अमन शांति के लिए आप एक हो हाथ खड़े करके गवर्नर साहब को बेनती करिए कि पंजाब की अमन शांति